बहिष्कार तो करना पड़ेगा। दो गो लेबर भेजिएगा, खुर खुर कर देगा, चला जाएगा, हो गया वहाँ नाला देखिए, मेरा उधर घुमाइए ना कैमरा सर। हमारे यहाँ एक कहावत है कि जब चुनाव आते हैं करीब तब नेताओं को याद आते हैं गरीब। और आज के समय में यह कहावत सटीक बैठती है सहरसा के गांधी पथ इलाके में, जहाँ आज़ादी के कई दशकों के बाद भी आधारभूत सुविधाओं का अभाव है। सड़क, बिजली, पानी सहित अन्य प्रमुख सुविधाएं अभी तक नहीं पहुंची, और न ही कोई नेता या अधिकारी यहाँ के लोगों की समस्या को गंभीरता से लेने का कष्ट करते हैं। लेकिन राज्य में अभी चुनावी मौसम है तो नेताजी वोट मांगने इलाके में पहुंचे और हमेशा की तरह बड़े बड़े वादे और दावे करने लगे। फिर क्या था, कई सालों से इसी प्रकार के दावे, वादे और आश्वासन से उब चुकी जनता इस बार आक्रामक मूड में दिखे और यह तय कर लिया कि इस बार किसी भी नेता के बातों में नहीं आएंगे। और जब तक यहां सड़क सहित सभी आधारभूत सुविधाएं नहीं मिल जाती तब तक वह किसी भी नेता को वोट नहीं देंगे। इसके बाद यहाँ की जनता ने सामूहिक तौर पर यह निर्णय लिया है कि वे किसी भी नेता को इस बार यहाँ घुसने नहीं देंगे। लोगों ने यह शर्त रखा है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक वह किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे। पड़ेगा ना वोट का बहिष्कार तो करना पड़ेगा। दो गो लेबर भेजिएगा, खुर खुर कर देगा, चला जाएगा, हो गया वहाँ नाला देखिए, मेरा उधर घुमाइए ना कैमरा सर, नाला का भर देखिए, वहाँ तीन आदमी गिर चुका, डंडी टूट चुका है, क्या जिम्मेदार है इसका बताइए तो, कौन है जिम्मेदार? क्या नाम है? हमने कई बार नगर पालिका को और RCD को आग्रह किया इस रोड को बनवाए या नाला को बनवाए, लेकिन इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर इसका समाधान क्या निकलता है, क्या नेता लोगों की मांगों को पूरा कर पाते हैं या नहीं, या फिर जनता एक बार फिर से नेताओं की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर समझौता करने को तैयार हो जाती है।